हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आइए सगिन। आज अपन जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एज ए पर्सनैलिटी के तौर पे देखें तो यही चीज आपकी पर्सनैलिटी को भी डिसाइड करने का काम करता है कहीं ना कहीं। टॉपिक का नाम यहाँ पे आता है अपना एटीट्यूड, राइट। एटीट्यूड होता क्या है कि और एटीट्यूड बनता कैसे है, या एटीट्यूड किस टाइप्स के हो सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे अपन। और बेसिक सा यहाँ पे कंटेंट और स्ट्रक्चर लिखने का मतलब है कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है और ये किस फॉर्म में डिवाइडेड है, या फिर एज ए सिविल सर्वेंट के फॉर्म में। आप जब सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो सिविल सर्वेंट की लाइफ में कितना वर्क करता है ये चीज, कि उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए एंड ऑल। तो उस फॉर्म को अपन थोड़ा समझेंगे और क्लियरली अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप चीजों को समझिएगा कि एटीट्यूड ही एक चीज हो सकती है जो किसी भी ह्यूमन बींग की पर्सनैलिटी को कैसे मैनिपुलेट कर सकती है, कैसे पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकती है, वो जरूरी है। राइट, एज ए सिविल सर्वेंट कई बार आप पॉजिटिव डायरेक्शन में भी देखते हैं, एज ए नेगेटिव डायरेक्शन में भी देखते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, बट आपका एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स दैट थिंग वो डिसाइड करता है कि आप कितने पॉजिटिव साइड में है, कितने नेगेटिव साइड में। राइट, चलिए तो देखते हैं अपन व्हाट इज एटीट्यूड। सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट क्या आता है, एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड सिंपली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे पढ़ने से पहले ये पर्सन से पर्सन डिपेंड भी करता है, थोड़ा सा इस चीज को समझेगा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है और पर्सन टू पर्सन इवेल्युएशन भी होती है अलग से, मतलब पर्सन इवेल्युएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, कि हर पर्सन का एटीट्यूड डिफ्रेंशिएट करेगा किसी दूसरे पर्सन से। राइट, आप समझते पहले ये एटीट्यूड क्या होता है ताकि आपको और बेटरली समझ में आए कि पर्सन टू पर्सन ये कैसे डिफर कर सकता है, कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है। एटीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिलीफ, इमोशन एंड बिहेवियर। बेसिक सा फॉर्मेट है कि एटीट्यूड होता क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिलीफ, इमोशंस एंड बिहेवियर। किसी भी ह्यूमन बींग में, किसी भी पर्सनैलिटी में, किसी भी आइडेंटिटी के अंदर जब उसकी बिलीफ क्या है, उसका मतलब विश्वास क्या है, राइट, वो क्या है, इमोशंस कैसे वर्क कर रहे हैं, उसका बिहेवियर क्या है किसी चीज को लेकर, वो चीज क्या बनाता है, एटीट्यूड बनाने का काम करता है। राइट, बिलीफ, इमोशंस और बिहेवियर जो है किसी भी पर्सन का, वो यहाँ पे एटीट्यूड बनाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे बिलीफ, इमोशंस में अपन उसका वे ऑफ थिंकिंग बोल सकते हैं, फीलिंग्स भी बोल सकते हैं, वो सब एटीट्यूड में इंक्लूड करते हैं। राइट, और ये अगर मैं बेसिक से फंडामेंट समझू, यहाँ पे जो इमोशंस हो गए, बिलीफ हो गए, ये थोड़े एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि हाइपोथेटिकल है, ये रीजनल प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा कम रखता है। राइट, ये लेकिन आपके पर्सपेक्टिव माइंड में अप्रोच ज्यादा रखता है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच में आपके जो सोल्यूशन है या फिर जो आप काम करने का तरीका है उसमें जरूर चेंज दिखेगा आपको, बट एज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये कोई प्रूवन कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हम बोल सकते। राइट, तो ये एटीट्यूड का मीनिंग आपको यहाँ क्लियर हुआ, इट्स अ बिलीफ, इमोशन एंड बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सन। और कैसे कोई भी पर्सन किसी भी इंडिविजुअल कंडीशन में बिलीव कैसे रखता है, इमोशंस कैसे जनरेट करता है, या किस तरीके से बिहेव करता है किसी भी सिचुएशन के अंदर, वो डिसाइड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा। राइट, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे पर्सन इवेल्युएशन कि वो पर्सन टू पर्सन डिफ्रेंशिएट भी करता है। राइट, क्योंकि हर पर्सन का इमोशन, बिलीव, बिहेवियर बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट होता है, बहुत ज्यादा चेंज होता है, दे आर नॉट सेम फॉर ईच एंड एवरी वन। यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो, इट इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन परसेप्शंस ऑफ सिचुएशन, पीपल एंड इवेंट। एटीट्यूड क्या करता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक और आपकी सिचुएशंस, रियल लाइफ में सिचुएशंस क्या है, आपके सराउंडिंग में पीपल कैसे हैं, उनके साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे, या आपके सराउंडिंग में इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि सिचुएशंस कैसी हो रही है। राइट, वो भी एटीट्यूड डिसाइड करने का काम करता है, ये एटीट्यूड उससे भी बनता है कहीं ना कहीं अपना। राइट, कि आपके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट या सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। राइट, आपके अगेंस्ट में या आपके थॉट्स ऑफ माइंड के अगेंस्ट में, तो आप वहां पे नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा। राइट, यहाँ पे क्या आ गया, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। एटीट्यूड कभी न्यूट्रल हो ये चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, या तो आप एक तरफ ही रहेंगे। राइट, आप या तो पॉजिटिव साइड में चले जाएंगे या नेगेटिव। न्यूट्रल एटीट्यूड रखना टूवर्ड्स एवरी सिचुएशन इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन। अपने इंडिया में बेसिकली बी सी सेंट साधु एंड ऑल, राइट, दे हैव बेसिक ऑफ न्यूट्रल एटीट्यूड,
बट एज ए ह्यूमन बींग अगर आप एज ए सिविल सर्वेंट और सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं या तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा या कहीं ना कहीं नेगेटिव डेवलप होने की चांसेस रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे न्यूट्रल होना बहुत मुश्किल है। इट कैन बी शेप्ड बाय एक्सपीरियंस, वैल्यूज एंड कल्चर। इट कैन बी शेप्ड बाय आपका पुराना एक्सपीरियंस कैसा है, अनुभव कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड कैसा बनेगा, राइट। आपका अगर एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहा है, पॉजिटिव ही रहा है, तो आपका एटीट्यूड भी टूवर्ड्स फ्यूचर पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे आपकी वैल्यूज को भी जनरेट करता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एटीट्यूड आपकी वैल्यूज को जनरेट करने का भी काम करता है, राइट। बाकी और सर्कमस्टेंसेस में आपकी वैल्यूज जनरेट हो या ना हो, बट एटीट्यूड आपकी वैल्यूज को बहुत ज्यादा जनरेट करने का काम करता है कहीं ना कहीं, राइट। आपकी कल्चर को भी बनाता है यहाँ पे, एज यू ऑलरेडी सी। कल्चर मतलब कि सोसाइटी कैसी डेवलप होगी उसके ऊपर भी वहां पे वर्किंग रहती है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखा था सिचुएशन टू सिचुएशन या इवेंट्स या इन सब पे भी डिपेंडेंट होता है, राइट। सिचुएशन यहाँ पे भी लिखा होता है, इवेंट्स सिचुएशंस पे भी डिपेंड होता है। तो कल्चर कैसे डेवलप हो रहा है, सोसाइटी का माहौल एनवायरमेंट कैसे डिपेंड हो रहा है या किस तरीके से मूव ऑन हो रहा है, वो वहां के लीडर के एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। एटीट्यूड का एक और मैं अगर बेसिक एग्जाम्पल दूं, सिंपली वी हैव अ गिलास ऑफ वाटर, राइट, जिसके अंदर आधा कहीं ना कहीं अपन देखते हैं वाटर भरा हुआ है, आधा पानी भरा हुआ है और आधा खाली है। अब अपने यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। या तो अपन बोलेंगे कि वो आधा भरा हुआ है तो आधा खाली, आधा भरा हुआ है मतलब कि उसमें पॉजिटिव साइड है कि पानी भरा हुआ है और नेगेटिव साइड है कि आधा खाली है, राइट। तो ये अपना एटीट्यूड बताने का काम करते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इट कैन अफेक्ट ए पर्सन रिलेशनशिप, डिसीजन मेकिंग एंड ओवरऑल वेलबींग। मतलब किसी भी पर्सन की जो किसी के साथ रिलेशनशिप है, किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रखेगा, किस तरीके की वो फ्यूचर में डिसीजंस लेगा, और ओवरऑल आपकी जो सेल्फ पर्सनैलिटी है, यहाँ पे वेलबींग मतलब कि सेल्फ पर्सनैलिटी को अपन बोल सकते हैं, वो किस तरीके की रहेगी, वो सारा का सारा किस पे डिपेंड होता है, एटीट्यूड पे डिपेंड होता है, राइट। यहाँ पे रिलेशन, डिसीजन मेकिंग या ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, वो किस पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे एटीट्यूड पे डिपेंडेंट रहने का काम करता है। एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। या इन्हीं पर्सपेक्टिव्स की अंदर एटीट्यूड को आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि आपका बिहेवियर या फिर इमोशन किस तरीके का है जब आप किसी सिचुएशन या डिसीजन मेकिंग या रिलेशनशिप में हो, राइट। एटीट्यूड कैन बी चेंज बट इट रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस, इफोर्ट एंड परसिस्टेंस। मतलब कि एटीट्यूड को बदला भी जा सकता है, मतलब आपका अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसको पॉजिटिव भी किया जा सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव भी किया जा सकता है। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज होती है या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिस वजह से ये चेंज हो सकता है, इट रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस, खुद को लेकर जागरूकता या सराउंडिंग को लेकर, सोसाइटी को लेकर आपके अंदर अगर जागरूकता नहीं रहेगी तब तक आप कभी भी एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, राइट। आपके इफर्ट कैसे है, इफर्ट मतलब आपके जो वर्किंग एरिया है वो किस तरीके का है, आप किसी भी काम करने के तरीके को कैसे वर्क कर रहे हैं वो एटीट्यूड बनाता है कहीं। परसिस्टेंसी मतलब कितने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हैं या उस तरह की चीजें जो डेवलप हो रही है वो भी आपका एटीट्यूड चेंज करने में मदद कर सकते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे मैं एक और चीज बोलूंगा कि अपन ने जैसे दो पढ़े थे, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव और एटीट्यूड जो होता है किसी भी चीज को लेके, किसी भी सराउंडिंग को लेके, वो हमेशा आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने का काम करता है, राइट। अगर आप हर चीज में अच्छा ही देखने लग जाएंगे, आपकी बिलीफ और इमोशंस हमेशा अच्छे ही डेवलप होंगे किसी भी कंडीशन में। अगर आप वर्स्ट कंडीशन में फंसे हैं, जेल में भी हैं, आप पॉजिटिव साइड ही देखेंगे हर चीज का, पॉजिटिव डायरेक्शन देखेंगे तो आपके बेटर आउटकम्स आने के चांसेस रहते हैं। बट वहीं पर अगर नेगेटिव आपने देखना शुरू कर दिया, नेगेटिवनेस माइंड में थॉट्स आने लग गए या इमोशन जनरेट हुए, नेगेटिव बिलीफ जनरेट हो गए, तो आपके बिहेवियर के अंदर भी क्या होगा, नेगेटिविटी दिखेगी, और जितनी नेगेटिविटी दिखेगी वो स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरीके की चीजें भी डेवलप करेगी। तो एज एन आईएएस, एज ए एस्पिरेंट के तौर पे अपन देखें तो यहाँ पे भी आपका एटीट्यूड किस तरीके का है टूवर्ड्स द स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टूवर्ड्स द स्टडीज आपका एटीट्यूड क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप उस चीज को भी एनालाइज करें। इंडिविजुअल लेवल पे जब आप एनालाइज करोगे चीजों को तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी कि हाँ पर्सनल लेवल पे मैं किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ या फ्यूचर में मेरे को किस तरीके से वर्क करना चाहिए, और वहां पे मैं अपने अगर नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है मेरे में, थोड़े से नेगेटिव पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, नेगेटिव बिलीफ डेवलप हो रहे हैं कि मेरा तो हो ही नहीं रहा,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्फ अवेयरनेस रखनी है कि कैसे मैं इसको चेंज कर सकूँ, अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकूँ, एफर्ट्स को चेंज कर सकूँ, पर्सिस्टेंसी मतलब लगातार कंटिन्यूसली चीजों को बेटर करने का काम कर सकूँ। एटीट्यूड इज अ कॉन्टिन्यूस एंड कैन इम्पैक्ट अदर्स अराउंड अस, मतलब कि एटीट्यूड क्या करता है, अपने सराउंडिंग को भी चेंज करने का या फिर सराउंडिंग में भी इम्पैक्ट डालने का काम कर सकता है। आपका इंडिविजुअल एटीट्यूड भी वर्क कर रहा है वहां पे, दूसरे का इंडिविजुअल एटीट्यूड आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। आप इस चीज को समझिएगा कैसे दोनों के एटीट्यूड जो हो सकते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ही जने का हमेशा इम्पैक्ट पॉजिटिव रहे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कहीं, राइट। यहाँ पे आपको थॉट्स और फंडामेंट्स होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे थोड़े, यहाँ पे एटीट्यूड का मीनिंग क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड। एटीट्यूड बेसिकली आपके इस टॉपिक में अपन कंप्लीट करने वाले थे, बट एप्टीट्यूड इसीलिए लिया है यहाँ पे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आए कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज, टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं यहाँ पे, और इन दोनों के मीनिंग भी कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिक सा पढ़ेंगे अपन एप्टीट्यूड के बारे में डिटेलिंग में, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। एटीट्यूड रिफर्स टू ए पर्सन ओवरऑल आउटलुक डिस्पोजिशन, व्हाइल एप्टीट्यूड रिफर्स टू ए पर्सन इननेट एबिलिटी और टैलेंट टू डू समथिंग वेल। मतलब कि यहाँ पे आपकी सोसाइटी के अंदर या आपकी मेन पर्सपेक्टिव देखे जाए, आपका बिहेवियर कैसा है, इमोशन कहते हैं कैसा है, वो एटीट्यूड बताता है। बट आपके अंदर किसी भी चीज को करने की एबिलिटीज, मतलब एप्टीट्यूड से अगर मैं किसी को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे किसको कंपेयर करूंगा, एबिलिटीज कैसी हैं वो आपके एप्टीट्यूड को बताने का काम करता है, वही बताने का यहाँ पे फंक्शन करता है, राइट। एटीट्यूड इज शेप्ड बाय एक्सपीरियंस वैल्यूज एंड कल्चर जैसा अपन ने पढ़ा, व्हाइल एप्टीट्यूड इज लार्जली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स एंड नेचुरल एबिलिटीज। यहाँ पे एटीट्यूड आपके सराउंडिंग या इवेंट या सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, बट एप्टीट्यूड जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो जेनेटिक है, वो नेचुरल है, नेचुरल एबिलिटीज के तौर पे अपन इसको देख सकते हैं, राइट। एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाइल एप्टीट्यूड कैन बी हाई और लो। मतलब आपका किसी भी चीज को करने का तरीका कैसा है वो पॉजिटिव नेगेटिव बताता है, बट आपका एप्टीट्यूड एबिलिटीज कितनी है, आपका जैसे आईक्यू है, आईक्यू कैसा हाई है या लो है वो एप्टीट्यूड के अंदर काउंट होता है, राइट। एटीट्यूड कैन बी चेंज टू सेल्फ अवेयरनेस इफोर्ट परसिस्टेंसी, व्हाइल एप्टीट्यूड इज डिफिकल्ट टू चेंज और मे रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और प्रैक्टिस। यहाँ पे बेसिक से फंडामेंट्स आपके सेल्फ अवेयरनेस थोड़े से इफोर्ट और इस सब चीजों से चेंज हो सकते हैं, और बट यहाँ पे ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है। अगर एप्टीट्यूड को आपको चेंज करना है, आपकी एबिलिटीज नेचुरल एबिलिटीज को चेंज करना है, तो बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट रहती है कहीं ना कहीं। एटीट्यूड कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर डिसीजन मेकिंग ओवरऑल वेलबींग, राइट। वेल एप्टीट्यूड कैन इम्पैक्ट जॉब परफॉर्मेंस करियर अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस इन स्पेसिफिक एरियाज, राइट। यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकता है, एटीट्यूड बिहेवियर में मदद कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी भी चीज को लेकर, बट जॉब परफॉर्मेंस या करियर अपॉर्चुनिटी या सक्सेस अगर पानी है आपको तो आपकी एबिलिटीज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रह जाता है कि आप किस तरीके की वर्किंग करने में, किस तरीके के काम करने में ज्यादा कैपेबल है एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स, राइट। एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पर भी अपन देखें तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप सही में वहां पे इतनी कैपेबल हैं, आपका एटीट्यूड उस तरीके का डेवलप है, नहीं है तो अपने को यहाँ पे एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट हो जाती है कहीं ना कहीं, अगर अपने को उस लेवल तक चीजों को डेवलप करना है तो, राइट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के अंदर। एप्टीट्यूड के बारे में डिटेलिंग में अपन आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट आपको बेसिक से अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूँ, रामायण में वी हैव वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मैन पावर और जहाँ पे सेना थी एंड एवरीथिंग, राइट। एक और वहां पे पात्र थे हनुमान, राइट। वो जब सीता माँ को ढूंढने गए थे, सीता मैया को ढूंढने गए थे, तब ही यूज्ड टू गो ट्रेवल टू लंका एंड समुद्र पार करके जाना था, तब उनको बिहेवियर, उनको जांबद जी ने बताया था कि आप में वो एबिलिटीज हैं, एबिलिटीज मतलब यहाँ पे वो एप्टीट्यूड है, राइट। एप्टीट्यूड के बारे में बताया गया, तो मतलब कि यहाँ पे एप्टीट्यूड के बारे में बताया गया, तो उनको पता लगा कि उनमें सही में एबिलिटीज थी, बट एटीट्यूड ने भी यहाँ पे इम्पैक्ट डाला था, राइट। जांबद जी का जो बताने का तरीका था, बिहेवियर था, उनके इमोशन और बिलीफ थे,
वो भी एप्टीट्यूड बनाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये दोनों के दोनों फंडामेंट्स बहुत एक दूसरे से मैच करते हैं कहीं ना कहीं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखते हैं एटीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट के एटीट्यूड कौन किस टाइप का होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, तब जाके वो सोसाइटी में कोई चेंज या पर्सपेक्टिव रख पाएगा कहीं ना कहीं। सोसाइटी में चेंज और पर्सपेक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, नॉट एन इजी टास्क। बट एज ए सिविल सर्वेंट जब आप बन जाते हैं, जब आप कलेक्टर की पोस्ट पे या मेजर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे बैठे हैं, तो वहां पे आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, किसी भी चीज को लेके आपके इमोशंस कैसे हैं, बिहेवियर कैसे हैं, वो कैसे होने चाहिए, उसके बारे में चार पॉइंट्स पे अपन यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक डिपार्टमेंट आपके दूसरे डिपार्टमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे उनके अंदर ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पे आपके एटीट्यूड के थ्रू पता लगाया जा सकता है, या आपके एटीट्यूड मतलब आपकी वर्किंग के अंदर पता लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं, राइट। क्योंकि यही वो चीज है जो सोसाइटी के अंदर चीजों को इजी करने का काम करेगी, सोसाइटी में चीजों को इजी करने का काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कितना तालमेल बना के बैठा हुआ है, कैसे वहां पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के बैठा हुआ है, राइट। तो वो ओवरऑल क्या दिखाएगा, ओवरऑल ये चीज दिखाएगा कि उनमें अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है, एक दूसरे के प्रति संभावना पॉजिटिव एटीट्यूड है, वहां पे आपका रोल ये है कि आप किस तरीके से उन दोनों से डील कर पा रहे हैं, उनके अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी जनरेट करने का काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कितने अच्छे तरीके से मेंटेन हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे तरीके से अगर जनरेट हो गया तो ऑब्वियसली आपके ओवरऑल सोसाइटी में बेटर डेवलपमेंट होगा, बेटर चीजें वर्क करेगी, फ्लुएंसी के साथ वर्क करेगी, राइट। बीच में ट्रांजेक्शन में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा कहीं। नेक्स्ट देखते हैं नेगोशिएशन। सिविल सर्वेंट के अंदर आपके एटीट्यूड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है, आप किस लेवल पे किसी भी चीज के अंदर नेगोशिएशन कर सकते हैं। नेगोशिएशन अगर सिविल सर्वेंट नहीं कर पाएगा तो गवर्नमेंट को एज ए सोसाइटी के तौर पर वो कई सारे लॉस कर सकता है फ्रॉम थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर स्टेक होल्डर्स के थ्रू, राइट। अगर आप एज ए सिविल सर्वेंट है और आप कहीं एक्स वाई जेड आंदोलन में भी फंसे हैं, या कहीं पे आपके अगेंस्ट में वहां पे चार्जेस लगे हुए हैं, या फिर आंदोलन हो रहा है, या फिर अनशन हो रहा है एक्स वाई जेड इस तरह की, राइट, कोई पॉलिसी के लिए, तो आप पब्लिक की कैसे सुनते हैं, वहां से उनसे कैसे नेगोशिएशन करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है उनके लिए, और उनके एटीट्यूड को भी ध्यान में रखते हुए आप किस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करते हैं, वो एक मेजर पॉइंट आ जाता है सिविल सर्वेंट की लाइफ में, राइट। क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट आपको कई बार गवर्नमेंट भी भेजती है कि आप नेगोशिएशन करके आए, टेररिज्म के साथ हो सकता है, टेररिस्ट के साथ हो सकता है, या फिर एक्स वाई लोकल बॉडीज के साथ हो सकता है, तो नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है किसी सिविल सर्वेंट के। रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयर्स। सिविल सर्वेंट का रिलेशन कैसा है दूसरे एम्प्लॉयर्स के साथ में, नीचे वाले एम्प्लॉयर्स के साथ, ऊपर वाले एम्प्लॉयर्स के साथ, सबके साथ ओवरऑल देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे एम्प्लॉयज जैसे करप्ट है तो उनके साथ आप किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर कोई हार्ड वर्कर एम्प्लॉयज है तो उसके साथ किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर कोई एक इनकेपेबल या फिर हैंडीकैप एम्प्लॉय है तो उसके साथ आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सबके साथ आप न्यूट्रल बिहेव तो कर नहीं सकते, वहां पे कहीं ना कहीं इंडिविजुअली सबके सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है, तो यहाँ पे बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कहीं ना कहीं, कि आप दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो आपके एटीट्यूड में शो होता है। लास्ट एंड फाइनल चैलेंजेस। सिविल सर्वेंट की लाइफ में चैलेंजेस की कभी कमी नहीं होती, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, सिविल सर्वेंट आपकी लाइफ में कभी भी चैलेंजेस की कमी नहीं होगी, चैलेंजेस हमेशा हर पॉइंट पे आते रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई चैलेंज आए कि स्वच्छ भारत अभियान के अगेंस्ट मतलब उसके अंदर अंतर्गत आपको टॉयलेट्स बनाने हैं अपने सिटी के अंदर, आप किस तरीके से इसको लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं नेगेटिवली लेते हैं, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू लेंगे या अच्छी तरीके से भरोसेमंद के देंगे, आपका भरोसा है कि हाँ मैं बना सकता हूँ, तो वहां पे वो चीज इजी हो जाती है, रेक्टिफाइड हो जाती है सोसाइटी के लिए, राइट। अगर वहीं पे आप सोच रहे हैं कि नहीं ये बहुत ज्यादा पैची सा है या मैसी सा टास्क है, पॉसिबल नहीं, आपका एटीट्यूड दिखा रहा है कि पॉसिबल नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन चलेगा, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस लेवल तक की सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सोचती होगी कि इस लेवल तक इस डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट पहुंचेगा, उस लेवल तक डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट पहुंचेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपका एटीट्यूड वहां पे कहीं ना कहीं चेंज हो गया है, ये डिफ्रेंशिएट कर गया दूसरे से, राइट। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। तो ऑब्वियसली सिविल सर्वेंट की लाइफ में काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं एटीट्यूड को लेके, बट ये चार ऐसे मेजर पॉइंट है जिससे आपका एटीट्यूड डिसाइड हो सकता है कहीं ना कहीं। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं अपन
कंटेंट एंड स्ट्रक्चर एटीट्यूड, एटीट्यूड का अपन अगर बेसिक सा मॉडल निकाले राइट, अपन ने बेसिक सा अभी एटीट्यूड को समझने की कोशिश की थी कि एटीट्यूड होता है आपकी फीलिंग कैसी है किसी भी चीज को लेके, फीलिंग्स कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है राइट, बिहेवियर अच्छा है पॉजिटिव है गलत है या सही है वो कैसा है, और लास्ट में फाइनल्स अगर अपन देखें ओपिनियन या थॉट्स कैसा है किसी भी सिचुएशन को लेके, आपके पर्सपेक्टिव कैसे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है आपका पूरा का पूरा एटीट्यूड। तो यहाँ पे भी अपन ने एबीसी मॉडल जो है अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियर कंपोनेंट और कंजुगेटिव कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब कि यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही कि कैसे ये एटीट्यूड बनते हैं राइट, कि एटीट्यूड्स यहाँ पे डिराइव कैसे हुए वो उनके बारे में बात करेंगे, या जो डिफरेंट तीन तरह के एटीट्यूड हो सकते हैं उनके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, पहले देखते हैं अफेक्टिव एटीट्यूड। अफेक्टिव एटीट्यूड होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अफेक्टिव एटीट्यूड को अगर मैं सिंपली बोलूं तो अफेक्टिव एटीट्यूड जो होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होता है, आपकी इमोशंस वाइज पे, इमोशंस बोले या फिर फीलिंग बोल सकते हैं अपन राइट, आपकी इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये वो वाला अफेक्टिव कंपोनेंट है जो आपकी इमोशंस और फीलिंग पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका लाइक डिसलाइक कैसा है, डिसप्लेजर कैसा है, प्लेजर कैसा है किसी भी चीज को लेके, आप किसको लेके पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये अफेक्टिव कंपोनेंट्स में आ गए सारे के सारे। इमोशन बेस्ड जो भी हो गया ना वो अफेक्टिव एटीट्यूड के अंदर डेवलप होता है। यहाँ पे देखते हैं एटीट्यूड, अफेक्टिव एटीट्यूड इज बेस्ड ऑन इमोशन रिएक्शंस टू स्टिमुलस सच एज अ पर्सन ऑब्जेक्टिव और आइडिया, मतलब आपका जो इमोशन रिएक्शन है, इमोशनली आप किससे कितना कनेक्ट कर पाते, किससे कनेक्ट नहीं कर पाते, किसी भी पर्सन को लेके, ऑब्जेक्ट को लेके, आइडिया को लेके, वो यहाँ पे अफेक्टिव एटीट्यूड दिखाने का काम करता है कि आपका अफेक्टिव एटीट्यूड किस तरीके का डेवलप हो रहा है या किस तरीके का डेवलप हो रहा है या हो चुका है राइट। यहाँ पे एक और पॉइंट देखते हैं, फॉर्म थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, ये किससे डेवलप होता है, अफेक्टिव एटीट्यूड जो होता है मेरे खुद के इमोशन, मेरी खुद की फीलिंग है, तो वो डेवलप भी कैसे होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस से ही डेवलप होगा, उसके अंदर दूसरों का कोई भी इसके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं होता है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे कल्चर हो सकता है या फिर सोशल इन्फ्लुएंस एक मिनिमाइज लेवल तक होता है, मैक्सिमाइज लेवल तक यहाँ पे मेरा पर्सनल लेवल ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखिए। अफेक्टिव एटीट्यूड इज ऑफन मोर डिफिकल्ट टू चेंज देन अनदर टू एटीट्यूड बोल सकते हो, मतलब कि यहाँ पे अफेक्टिव एटीट्यूड क्योंकि आपकी इमोशन क्या और फीलिंग कैसी है किसी भी चीज को लेके, उसको चेंज करना बड़ा हार्ड पड़ जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर, मतलब कि बिहेवियर के अंदर या फिर इस तरह की, क्योंकि बेसिक फंडामेंट यहाँ पे अफेक्टिव एटीट्यूड क्या होता है, ये रीजनिंग और लॉजिक को थोड़ा अवॉइड ही करता है, इमोशंस के अंदर अपने यहाँ पे रीजनिंग और लॉजिक को अवॉइड ही रखता है अफेक्टिव एटीट्यूड, इस चीज का ध्यान रखिएगा राइट। तो इसलिए इसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अफेक्टिव एटीट्यूड कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, मतलब कि यहाँ पे आपके बिहेवियर के अंदर किस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा या फिर किस तरीके का आप बिहेव करेंगे वो यहाँ पे शो करने का काम करता है, ये इन्फ्लुएंस भी करता है, मतलब कि आपके बिहेवियर के अंदर किस तरीके के आप वर्क करेंगे, किस तरीके के आप सोसाइटी में चेंज लाएंगे, किस तरीके के आप पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन देखेंगे, वो बिहेवियर को भी चेंज करता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये इमोशन से जुड़ा है, इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस से बिलोंग करता है, पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे बिलोंग करता है, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके बिहेवियर को भी राइट। इस चीज का ध्यान रखिए। अफेक्टिव एटीट्यूड कैन मेजर थ्रू सेल्फ रिपोर्ट मेजर, सेल्फ रिपोर्ट मेजर क्या होती है यहाँ पे इस चीज को समझिएगा, सेल्फ रिपोर्ट मेजर वो होते हैं जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को रेटिंग स्केल्स पे देख रहे हैं, आज के समय में ऑर्गेनाइजेशन में रेटिंग स्केल्स काफी डेवलप हो गई कि वो सेल्फ लेवल पे किस तरीके से अपने इमोशन को कंट्रोल रखते हैं नहीं रखते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चनर्स बन के उनसे पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, साइकोलॉजिस्ट मेजर्स हो सकते हैं या फिर हार्ट रेट के तौर पे आप काउंट किया जा सकते हैं कि आपके इमोशंस कैसे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं लाइव टेस्ट डिटेक्टर होते हैं राइट, जो आपकी इमोशंस या आपके हार्ट रेट या पल्स रेट को ही कैलकुलेट करते हैं राइट, कि आपके इमोशंस ये इनमें कितना बदलाव आ रहा है, इनमें कितना चेंज आ रहा है राइट, तो इनके थ्रू इसको मेजर किया जा सकता है, इफेक्टिव एटीट्यूड या इमोशंस को मेजर करने का काम कर सकते हैं राइट। अफेक्टिव एटीट्यूड कैन शेप थ्रू परसुएसिव कम्युनिकेशन, परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या होता है यहाँ पे वो समझिएगा, यहाँ पे इसका मतलब है कि आप एडवर्टाइजमेंट, आपके सराउंडिंग में किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट बन रहा है,
प्रोपोगेंडा बन रहा है, सोशल इन्फ्लुएंस कैसे है, ग्रुप कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है, राइट। एफेक्टिव एटीट्यूड चेंज कैसे हो सकता है, आपके सराउंडिंग में कैसे एडवर्टाइजमेंट बन रहे हैं, कैसे प्रोपोगेंडास बन रहे हैं, कैसे आपके सोशल ग्रुप्स बन रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं लोग आपको, तो उस बेस पे ये चेंज हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट। अफेक्टिव एटीट्यूड कैन इम्पैक्ट ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। ये ओवरऑल किस पे इम्पैक्ट डाल सकता है, आपके वेलबींग पे डाल सकता है या फिर आपके हैप्पीनेस पे डाल सकता है। क्यों? क्योंकि आपके इमोशन दूसरे के प्रति कैसे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं उसको मेंटेन रखना है, या सोशल इंटरेक्शन कैसे हो सकते हैं उसको मेंटेन या उसको बढ़ाने या घटाने में काम कर सकता है यहाँ पे, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। होपफुली आपको अफेक्टिव एटीट्यूड क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्विक रिविजन कर लेते हैं। बेसिक से इमोशन और फीलिंग्स को अगर अपन देखें तो वो अफेक्टिव एटीट्यूड बनाने का काम करता है। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन बिहेवियर एटीट्यूड। बिहेवियर एटीट्यूड क्या होता है, इस चीज को समझते थोड़ा सा अपन। हर एक पर्सन आज के समय में किसी ना किसी से किसी ना किसी तरीके से बिहेव करता है, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। उसके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो सकता है, उसके वॉइस लैंग्वेजेस के थ्रू हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो यही जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, या फिर ये इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है कॉन्जिक्यूटिव और एप्टीट्यूड अफेक्टिव एटीट्यूड के थ्रू, राइट। अपन ने जैसे अफेक्टिव एटीट्यूड पढ़ा इमोशंस, ये बिहेवियर जो है इमोशन से इम्पैक्ट हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है यहाँ पे, राइट। इस चीज को समझिएगा, बिहेवियर एटीट्यूड जो है बाकी दो एटीट्यूड से खुद को इम्पैक्ट करा सकता है इजीली। क्यों? क्योंकि वो मेजर पॉइंट आ जाते हैं एटीट्यूड के अंदर। जैसे कि अपन ने देखा अफेक्टिव एटीट्यूड, इमोशंस पहले जनरेट होता है, बिहेवियर तो बाद में शो करते हैं ना, इमोशन या पर्सपेक्टिव पहले जनरेट हो जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी बिहेवियर वर्किंग दिखती है, राइट। तो ये इतना इजी नहीं है, इजीली इन्फ्लुएंस हो सकता है किससे, अदर टू एटीट्यूड से, राइट। बट यहाँ पे आप किस तरीके से दूसरे के प्रति दूसरों के साथ कैसे सर्टेन बिहेव कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। बिहेवियरल एटीट्यूड इज द एक्चुअल बिहेवियर और एक्शन दैट अ पर्सन एग्जिबिट्स टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के अगेंस्ट या उसके लिए कोई भी पर्सन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बिहेवियर एटीट्यूड बताने का काम करता है कहीं यहाँ पे, राइट। उस चीज का ध्यान रखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन अ पर्सन बिलीव्स, पर्सनल्स बिलीव, पर्सन बिलीव बोल सकते हैं, पर्सनल लेवल पे बिलीव बोल सकते हैं कि मेरा पर्सनली बिलीव क्या है, मेरे पर्सनली इमोशंस कैसे, उस बेस पे बिहेवियर बनता है। वैल्यूज कैसे हैं मेरे रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या किसी भी सिचुएशन को लेके हो सकता है, उनको लेके मेरा इमोशंस या फीलिंग या वैल्यूज क्या है उसको लेते हुए अपन समझ सकते हैं कि आप पे मेरा बिहेवियर बन रहा है, मतलब कि बिहेवियर एटीट्यूड बन रहा है। ओके, बिहेवियर एटीट्यूड कैन बी शेप्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस, सोशल और कल्चर फैक्टर। यहाँ पे बिहेवियर एटीट्यूड जो है वो सोशल कल्चर के थ्रू बन सकता है, पास्ट मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, राइट। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जैसा भी रहा हूं, उस बेस पे मेरे ऑलरेडी इमोशन जनरेट हो गए, इमोशन जनरेट हो गए तो मैं उस बेस पे अपना बिहेवियर बना सकता हूँ, उस तरीके से मेरा बिहेवियर डेवलप हो रहा है, राइट। बिहेवियर एटीट्यूड कैन बी मेजर थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट और अदर ऑब्जेक्टिव मेजर्स। मतलब यहाँ पे कई सारे मेजर्स हो सकते हैं, या सेल्फ रिपोर्ट या सेल्फ एनालाइज के फॉर्म में भी देखा जा सकता है कि मेरा बिहेवियर कैसा है किसी भी चीज को लेकर, राइट। एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पर भी देखा जा सकता है कि आपका बिहेवियर इंटरव्यू में चेक किया जाए, एज ए बॉडी लैंग्वेज के फॉर्म में, या किसी तरीके से कि आप किस तरीके से किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे। ओके, बिहेवियरल एटीट्यूड कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग एंड चॉइसेस। बिहेवियरल एटीट्यूड जो है वो डिसीजन मेकिंग और चॉइसेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंज करने में केपेबल है कहीं ना कहीं, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, और इसके आउटकम्स को भी कैसे चेंज कर सकता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहेवियर आपके आउटकम ही लाने का काम करता है, एट द फाइनल कंक्लूजन या आउटकम के लिए ही वो वर्क कर रहा है यहाँ पे, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बिहेवियर एटीट्यूड कैन चेंज थ्रू वेरियस टेक्निक्स। वेरियस टेक्निक्स मतलब हो सकता है कि यहाँ पे अलग अलग थेरेपीज ली जाए, थेरेपीज मतलब कि आपकी मॉडिफिकेशन थेरेपीज हो सकती है, एक्सपोजर थेरेपीज हो सकती है, बिहेवियरल थेरेपी हो सकती है। यहाँ पे उन थेरेपीज का मतलब हो गया कि आप ऐसी थेरेपीज लें जिसके थ्रू आपके जो बॉडी लैंग्वेज या किसी भी चीज को करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाए, वो
बदलाव लाने का, बीएस बदलाव लाने के सर्कमस्टेंसेस डेवलप कर सके कहीं ना कहीं, राइट, उस चीज का ध्यान रखिएगा। बिहेवियरल एटीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आपका बिहेवियर कैसा है वो एक इंटरपर्सनल मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी कैसे रिलेशनशिप डेवलप होंगे, कैसे रिलेशनशिप में इंटरेक्शन होगा, कैसे रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, या फिर सक्सेस और फेलियर के तौर पे भी कैसे रिलेशन बन सकते हैं, वो यहाँ पे बिहेवियर एटीट्यूड में भी शो होता है या उसी के थ्रू ये डेवलप होता है कहीं ना कहीं। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं। तो बिहेवियर एटीट्यूड ओवरऑल अपन देखिए, पर्सन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि एक पर्सन किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो बिहेवियर एटीट्यूड बताने का काम करता है यहाँ पे। ओके एवरीवन, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, कॉन्जिनेटिव कॉग्निटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे क्या आया है, कॉग्निटिव एटीट्यूड। कॉग्निटिव एटीट्यूड इन्वॉल्व्स अ पर्सन थॉट्स एंड बिलीफ। कॉग्निटिव एटीट्यूड क्या करता है, किसी पर्सन के कैसे थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला अपन ने देखा था, सबसे पहला अपन ने जो देखा था उसके अंदर था एटीट्यूड जो था उसके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स कैसे थे, राइट, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अफेक्टिव एटीट्यूड में अपन ने पढ़ा था कि इमोशंस और बिलीव कैसे थे, और नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि बिहेवियर के अंदर आपकी किस तरीके से काम करने की कैपेसिटीज होंगे। कॉग्निटिव में क्या आ गया अपना, किसी भी नॉलेज को लेके या किसी भी थॉट्स बिलीफ को लेके, अपने कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके कैसे माइंडसेट है, धारणाएं हैं, नॉलेज रखते हैं उसके लिए कैसे बिलीफ रखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट वाला जो अपन ने पढ़ा था अफेक्टिव एटीट्यूड, वो फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कॉग्निटिव हो सकता है, और थर्ड हो गया बिहेवियर एटीट्यूड, राइट। फर्स्ट क्या हो गया अपना, फर्स्ट कहीं ना कहीं हो गया अफेक्टिव, नेक्स्ट हो गया अपना कॉग्निटिव, एंड लास्ट एंड फाइनल क्या हो गया अपना, एक और बिहेवियर, राइट। ये बेसिक से फंडामेंट है, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि कैसे अपना एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। अभी पहले कॉग्निटिव समझ लेते, फिर इनको वापस एक बार समराइज में फटाफट समझेंगे। थॉट्स ऑफ बिलीव्स कैसे हैं आपके, राइट, किसी भी चीज को लेकर थॉट्स ऑफ बिलीव कैसे हैं, वो कॉग्निटिव एटीट्यूड बताने का काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन ए पर्सन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। ये किस पे डिपेंड होता है, किसी भी पर्सन को लेके आपके अंदर, किसी भी पॉइंट को लेके, आपकी चीजों को लेके कैसी अंडरस्टैंडिंग है, या अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उस पॉइंट को लेके, उस पर्सपेक्टिव को लेके कितनी नॉलेज रखते हैं, वो आपका यहाँ पे कॉग्निटिव एटीट्यूड बनाने का काम करता है। क्यों, क्योंकि आपके थॉट्स ऑफ बिलीव बनाने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे, राइट। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस, ये भी पास्ट एक्सपीरियंस, सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड अफेक्टिव एटीट्यूड के साथ चेंज हो सकता है, राइट, इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसके थ्रू बदलाव हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अफेक्टिव एटीट्यूड भी कॉग्निटिव एटीट्यूड को चेंज या इन्फ्लुएंस करने का काम कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो किसी भी थॉट्स और बिलीव को चेंज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इन पॉइंट का ध्यान रखिएगा। इट कैन बी मेजर थ्रू सेल्फ रिपोर्ट, क्वेश्चनेयर और अदर ऑब्जेक्टिव मेजर्स, एज वेल एज डिसीजन मेकिंग हो गए, या इन तरीके की चीजें होगी। तो यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू हो सकता है, ये सब टेक्निक्स हैं कैसे कि आप मेजर कर सकते हैं अपने को कि आप कितने थॉटफुल हैं किसी भी चीज को लेके, या आपकी किसी की चीज को लेके, जैसे सिचुएशन या इवेंट को लेके कैसी धारणाएं हैं, कैसे पर्सपेक्टिव है कहीं ना कहीं, राइट। तो इन पॉइंट का ध्यान रखिएगा। इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड अफेक्टिव एंड बिहेवियर एटीट्यूड, आपका नॉलेज और थॉट्स कैसा है किसी भी चीज को लेके, वो ऑब्वियसली अफेक्टिव और बिहेवियर दोनों के अंदर शो करता है। आपके इमोशंस को भी उसी तरीके से जनरेट करेगा, और इमोशंस जनरेट होंगे तो क्या होगा, आपका बिहेवियर के अंदर भी वो किस तरीके से चेंज होगा, किस तरीके से बदलाव लाएगा, वो चीज समझना जरूरी है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जो कॉग्निटिव एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं किससे डेवलप हो रहा है, एजुकेशन से डेवलप हो रहा है, या फिर पर्सोना से डेवलप हो रहा है, या फिर रिकंस्ट्रक्शन से डेवलप हो रहा है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि सराउंडिंग में माहौल कैसा है। इट कैन बी चेंज थ्रू वेरियस टेक्निक्स, जैसे अपन ने अभी पढ़ा एजुकेशन, इन सब के थ्रू भी ये चेंज किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि आपकी किसी भी चीज को लेकर अगर नॉलेज चेंज होती है, मतलब कि अगर नॉलेज के अंदर अपवर्ड आता है, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज को लेके वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा।
इट इज इम्पोर्टेंट इन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका थॉट्स और बिलीफ कैसा है, नॉलेज कैसा है किसी भी चीज को लेके, सोशल और पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जब आप वर्क कर रहे हैं तो सोसाइटी में आपको उसी के अगेंस्ट में या सोसाइटी के लिए ही हमेशा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करना होगा, उनके फेवर में ही रिस्पॉन्ड करने का भी काम करना होगा। और उनके फेवर में रिस्पॉन्ड करना है तो उनके जो इश्यूज हैं उनको आपको याद होना चाहिए, उनको समझना चाहिए, आपको उनके अगेंस्ट में आपकी बिलीफ और नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप अपने एटीट्यूड के अंदर वो चीज शो कर पाएंगे, राइट। तो अपने 3 पॉइंट्स पढ़े यहाँ पे, अफेक्टिव एटीट्यूड पहला, जिसके अंदर बेसिक से इमोशंस कैसे डेवलप हो रहे हैं, फीलिंग्स कैसे डेवलप हो रही है। सेकेंड, इमोशंस और फीलिंग्स जब डेवलप हो रही है तो वहां पे अपने थॉट्स और बिलीफ क्या बन रहे, राइट। अपने थॉट्स और बिलीफ किस बेस पे, अपनी एजुकेशन के बेस पे हो सकता है या नॉलेज के बेस पे किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, वो चीज समझना जरूरी है। और आपका एट द एंड बिहेवियर कैसा है, किसी भी चीज को लेके बिहेवियर कैसा है वो एटीट्यूड बनाने का काम करता है। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स है जो ओवरऑल समझाते थे कि कैसे एटीट्यूड बनता है किसी भी पर्सन के अंदर, क्या किसी भी पर्सन के अंदर कैसे एटीट्यूड डेवलप होने की सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, राइट। होपफुली आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा काफी फंडामेंटली और अंदर डेप्थ के अंदर। इनकेस आपको अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता, क्लियर नहीं होते, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं ताकि आप इसको बेटर टाइम में या बेटर टाइम के साथ इसको समझने की वापस कोशिश कर सके, राइट। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।